पूज्यपाद स्वामी जी और इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी माननीय देवियों और सज्जनों, हम लोगों ने अभी परम पूज्यपाद स्वामी जी से स्वामी विवेकानंद के संबंध में बहुत सुंदर वक्तव्य सुना। सचमुच स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व बड़ा विलक्षण था। आज के जो चिंतन का विषय है वह है भारत आत्मा स्वामी विवेकानंद। भारत की आत्मा उनके हृदय में बसती थी। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने रोमा रोला को एक पत्र लिखा और उस पत्र में स्वामी जी के संबंध में लिखा कि यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए, उसमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं है। अपनी इस विलक्षण और सारगर्भित वाणी में विश्व कवि ने स्वामी जी के व्यक्तित्व और राष्ट्र के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान की घोषणा कर दी है। यद्यपि उनका जो आविर्भाव था वह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, किंतु उनके अग्निदीप्त विचारों ने 20वीं शताब्दी के भारत और विश्व संस्कृति को झकझोर दिया था और आज भी उनके विचार हमारा सतत मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष, उनका आत्मविश्वास, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनकी पवित्रता, उनका पांडित्य, उनका सौंदर्य बोध, उनकी लेखन कला, उनकी वक्रता, उनकी देशभक्ति, उनका विश्व बंधुत्व, उनका शरीर सौष्ठव, सब कुछ मानो उच्चता के चरम बिंदु पर पहुंचा हुआ था। उनके व्यक्तित्व में भगवान बुद्ध का हृदय था, शंकराचार्य की मेधा थी, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम था, गुरु नानक का आध्यात्मिक तेज था, सेंट पॉल्स के धर्म प्रचार की दक्षता थी, ईशदूत ईशा की कोमलता थी, मानो ये सब उनके व्यक्तित्व में एक साथ समा गए थे। वे त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति थे। विश्व मानवता के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा महापुरुष नहीं हुआ जिसने त्याग और सेवा के आदर्शों का महत्व मानव जीवन में सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि के लिए इतने प्रभावशील रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण थे, आप सभी जानते हैं, और उनके साथ उनके मिलन की घटना भी बड़ी रोचक है। उस समय स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त थे, वे इस विश्वविद्यालय के छात्र थे, वे कोलकाता विश्वविद्यालय के छात्र थे। पढ़ा था उन्होंने डेकार्ते के अहमवाद को, ह्यूम बेक की नास्तिकता को, स्पेंसर के अज्ञेयवाद को, डार्विन के विकासवाद को। इन सब विचारों ने उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व के प्रति संदेह पैदा कर दिया। वे ईश्वर के अस्तित्व के प्रति शंकालु हो गए। वे हर किसी व्यक्ति के पास जाते जहां उनको लगता कि यह व्यक्ति ईश्वर के संबंध में मुझको ज्ञान दे सकता है, उनके पास जाते और उनसे पूछा करते कि महोदय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? पर उनको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कि मैंने ईश्वर को देखा है। और तब एक बार उन्होंने देवेंद्रनाथ ठाकुर की बहुत महिमा सुनी। उनको लगा कि ये तो पहुंचे हुए आध्यात्मिक पुरुष हैं, इन्होंने जरूर ईश्वर को देखा होगा। उनके पास वे गए और उनसे भी यही प्रश्न उन्होंने पूछा कि महोदय, कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? पर देवेंद्रनाथ ठाकुर से भी उनको सही उत्तर नहीं मिला। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने मानो यह कहकर उनके प्रश्न को टाल दिया कि बेटा, तुम्हारी आंखें तो योगियों की भांति दिखती हैं। बड़े निराश हो गए थे। वो ईश्वर के संबंध में जानने के लिए उत्सुक थे और इसी समय घटना लंबी है। उनको श्री राम कृष्ण देव के संबंध में पता पड़ता है। वे श्री राम कृष्ण देव के पास जाते हैं और उनसे भी वही प्रश्न वे पूछते हैं। अच्छा महोदय, यह तो बताइए कि क्या आपने ईश्वर को देखा है?
श्री राम कृष्ण देव ने संकोच उत्तर देते हैं, हाँ बेटा मैंने ईश्वर को देखा है, जैसा मैं तुझे देख रहा हूं ना उससे भी अधिक स्पष्ट मैंने ईश्वर को देखा है। और इतना कहकर श्री राम कृष्ण देव चुप नहीं होते, वे यह कहते हैं कि यदि तू भी ईश्वर के दर्शन करना चाहता है तो मैं तुझे भी ईश्वर के दर्शन करा दे सकता हूं। बस फिर कथा लंबी है, सार यह है कि स्वामी विवेकानंद श्री राम कृष्ण देव के चरणों में मानो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और उनके प्रधान शिष्य बन जाते हैं। एक दिन ऐसे ही स्वामी विवेकानंद से, उस समय वो नरेंद्र नाथ थे, श्री राम कृष्ण देव ने पूछ लिया, बेटा नरेंद्र चाहता क्या है? नरेंद्र नाथ ने कहा, गुरुदेव मैं चाहता हूं कि मैं भगवान सुखदेव की भांति निर्विकल्प समाधि में डूबा रहूं। मैं चाहता हूं कि उस निरंतर उस निर्विकल्प समाधि का आनंद लेता रहूं, बस शरीर धारण करने के लिए मैं थोड़ा बहुत खाना खाऊं और फिर उसी निर्विकल्प समाधि में डूबा रहूं। श्री रामकृष्ण देव को प्रसन्न होना था। श्री रामकृष्ण देव को इसलिए प्रसन्न होना था कि कितना योग्य शिष्य उनको मिला, एक ऐसा शिष्य मिला जो धन संपत्ति की कामना नहीं कर रहा है, जो स्त्री पुत्र की कामना नहीं कर रहा है, कोई वैभव की कामना नहीं कर रहा है, वह तो वही कामना कर रहा है जो भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है, जो मानव जीवन का परम प्रयोजन है, जिसके लिए ऋषि मुनि इतनी ध्यान तपस्या करते हैं, वही निर्विकल्प समाधि की तो बात कर रहा है। तो ऐसा उच्च शिष्य उनको मिला है, उनको प्रसन्न होना चाहिए था, किंतु श्री राम कृष्ण देव उनके उस उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने उनकी लगभग भर्त्सना करते हुए कहा, अरे बेटा मैं तो समझा था तू तो उस विशाल वट वृक्ष की भांति होगा जिसके छाया तले सैकड़ों लोग विश्रांति का अनुभव करेंगे, किंतु मैं देखता हूं रे तू तो बड़ा स्वार्थी निकला, तू तो अपने ही मुक्ति के पीछे पड़ा हुआ है। अरे बेटा इससे भी ऊंची एक अवस्था है। और बाद में श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को, उस समय के नरेंद्र नाथ को, यह बता दिया कि वह जो ऊंची अवस्था है वह है जीव सेवा। इस प्रकार शिव भाव से जीव सेवा का जो आदर्श है वह स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद के मन में भर दिया। सन 1886 में हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव महासमाधि में लीन हुए और उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपनी यात्राएं प्रारंभ की। वे संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेम, आंतरिक बेचैनी, भारत को जानने की तीव्र इच्छा और गुरु के संदेशों के प्रचार और प्रसार की अदम्य अभिलाषा, इन सभी बातों ने मिलकर स्वामी विवेकानंद को परिव्राजक बना दिया। वे भारतीय संस्कृति के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में गए और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने देश का कोना कोना छान डाला। वर्षों तक किसी को पता नहीं रहा कि श्री राम कृष्ण देव के इस प्रिय शिष्य नरेंद्र नाथ का हुआ क्या। उन्होंने अपने आप को भारत की विराटता में विलीन हो जाने दिया। अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारत की पिसती हुई गरीबी, उनके सामाजिक छिछड़ेपन और आर्थिक नग्नता को देखा और इसके साथ उन्होंने भारत की सांस्कृतिक ऊर्जा का भी अनुभव किया। वे बिना किसी योजना के जहां उनका जी चाहा गए, पर जहां भी गए उनके संवेदनशील हृदय और सतर्क मस्तिष्क ने सैकड़ों बातें आत्मसात की। देखिए, उत्तर में हिमालय का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिमालय की देवदारू छाया मंडित कंदराओं में रहकर उन्होंने कुछ दिन का अध्ययन किया। अल्मोड़ा में निवास अवसर पर वे संस्कृत के अध्येता बने। अहमदाबाद में पश्चिम में इस्लाम और जैन परंपराओं ने उन्हें आकर्षित किया और इस प्रकार वह भ्रमणशील सन्यासी भटकता रहा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक उसकी जो यात्रा है वह दिव्य और भव्य थी। यहाँ उन्होंने भारत की अक्षयता के दर्शन किए,
यहाँ उन्होंने देखा कि राजस्थान के ग्रामीण केरल के ग्रामीणों को गले लगाते हैं और इस प्रकार वह सन्यासी भटकता रहा। प्राचीन वास्तुकला और शिल्प कला के मौन जगत तथा सभ्यता के भग्नावशेषों के बीच से गुजरता हुआ उसने अनुभव किया कि उसने इतिहास के संदेशों को पढ़ लिया है। उसे लगा कि उन्होंने शंकर की उस महान आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव कर लिया है। उसे लगा कि उसने अशोक और संघमित्रा की भावनाओं को जान लिया है और इस प्रकार वह सन्यासी पूरे देश में भटकता रहा और अंत में वह कन्याकुमारी पहुंचा। कन्याकुमारी में माता कुमारी का दिव्य भव्य मंदिर है। उस समय उनका चित्त बड़ा अशांत था। देश की गरीबी और लोगों की भूखमरी, अज्ञानता, इन सब से उनका चित्त बड़ा व्यथित हो रहा था। पर जब माता कुमारी के दर्शन मंदिर में जाकर करते हैं तब उनके चित्त में शांति का अनुभव होता है, एक प्रशांति का उनको अनुभव होता है। माता कुमारी से मानो उनको आशीर्वाद मिलता है और माता कुमारी का दर्शन करके वे जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं तो समुद्र पर उनकी दृष्टि जाती है और समुद्र पर एक विशाल शिलाखंड पर, समुद्र से लगभग 2 फरलांग दूर एक विशाल शिलाखंड पर उनकी दृष्टि जाती है और उनको ऐसा लगता है कि वह जो शिलाखंड है वह उनको आमंत्रण दे रही है, वह उनका आह्वान कर रही है। उस शिलाखंड पर वो पहुंचना चाहते हैं। उस समय तो कोई शिलाखंड पर जाने का कोई मार्ग नहीं था। आज उसी शिलाखंड पर स्वामी विवेकानंद का दिव्य भव्य स्मारक बन गया है, किंतु उस समय तो वह जनशून्य स्थान था, समुद्री जलचरों से भरा हुआ वह स्थान था। स्वामी विवेकानंद जाना चाहते हैं पर नाविक को देने के लिए पैसे भी उनके पास नहीं थे। पर उनको ऐसा लगा कि वह जो शिला का आकर्षण है इतना दिव्य है, वह शिला का आकर्षण इतना उद्दीप्त है कि वो स्वामी जी अपने आप को रोक नहीं पाते। वे उस समुद्र में छलांग लगा देते हैं और जलचर, हिंसक जलचरों से भरे हुए उस समुद्र में तैर कर वे उस शिलाखंड पर पहुंच जाते हैं और वहां पर फिर स्वामी जी ध्यान करते हैं। पूज्य स्वामी जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में इसका थोड़ा सा उल्लेख किया। वहां स्वामी जी ध्यान करते हैं पर किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करते, भारत माता का ध्यान वे करते हैं। शताब्दियां उनके आंखों के सामने बिछ जाती हैं और उनके ही शब्दों में वे स्वयं वहां पर घनीभूत भारत हो जाते हैं। वे भारत का ध्यान करते हैं, वे सोचते हैं कि भारत के पिछड़ेपन का इतना कारण क्या है, क्या धर्म भारत के पिछड़ेपन का कारण है। स्वामी जी ने ध्यान की अवस्था में देखा कि धर्म भारत के पिछड़ेपन का कारण नहीं है अपितु धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं करना, यह भारत के पिछड़ेपन का कारण है। धर्म के स्वरूप को भूल जाना, यह भारत के पिछड़ेपन का कारण है। लोगों ने धर्म के स्वरूप को विस्मृत कर दिया है। अंधविश्वास और कुसंस्कार धर्म के रूप में सामने आ रहे हैं और चूंकि धर्म का वास्तविक स्वरूप हमारे जीवन से दूर हो गया है, यही हमारे देश के पतन का कारण है। स्वामी जी ने ध्यान की उस अवस्था में देखा कि त्याग और सेवा ये दो भारत के राष्ट्रीय आदर्श रहे हैं और ये भारतीय आदर्श हमारे राष्ट्रीय जीवन से दूर हो गए हैं और इसलिए भारत जो है इस गिरे हुए स्थिति पर पहुंच गया है। स्वामी जी को अनुभव होता है कि यदि इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें भारत के इस प्राचीन राष्ट्रीय आदर्श को, त्याग और सेवा के आदर्श को हमको जीवन में घनीभूत करना होगा, जीवन में चरितार्थ करना होगा, तभी देश आगे बढ़ जाएगा। और फिर स्वामी जी इसी शिलाखंड पर बैठे बैठे भारत में पुनः त्याग और सेवा के आदर्श को प्रचालित करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं और यही कारण है कि भारत के राष्ट्रीय चेतना के विकास में कन्याकुमारी का यह जो शिलाखंड है वह बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसलिए क्योंकि युगों युगों से प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न भारत की राष्ट्रीय चेतना इसी शिलाखंड पर बैठे हुए स्वामी विवेकानंद के अनंत विस्तारित, अनंत संवेदनशील हृदय में एक बार फिर से जाग उठती है और आत्मद्रष्टा विवेकानंद
इसी शिलाखंड पर बैठे बैठे युग द्रष्टा विवेकानंद हो जाते हैं, युगाचार्य विवेकानंद हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पहले उन्होंने आत्मज्ञान की कामना श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख की थी, वो आत्मज्ञान में डूबा रहना चाहते थे, समाधि में डूबा रहना चाहते थे। तो ऐसे जो आत्मवेत्ता विवेकानंद हैं, इस शिलाखंड पर बैठे बैठे युग द्रष्टा विवेकानंद होते हैं, युगाचार्य विवेकानंद हो जाते हैं, और यहीं से उनका जीवन सर्वतो भावेन समाज की सेवा में समर्पित हो जाता है। यहाँ के भूखे नंगे उनके विशेष सेव्य हो जाते हैं, सामाजिक आनंद उनके लिए गौर हो जाता है, और इन्हीं भूखे नंगों की सेवा उनके लिए ईश्वर की पूजा बन जाती है। अब समाज एक नवीन रूप में उनके सम्मुख आता है। अब वह केवल ऋषि मुनियों की ध्यान तपस्या के रूप में समाज उनके सामने नहीं आती, अपितु आती है हजारों पीड़ितों और प्रताड़ितों को, लाखों पीड़ितों और प्रताड़ितों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के रूप में उनके सम्मुख आती है। और इसी शिलाखंड पर बैठे बैठे स्वामी विवेकानंद मानो धर्म के एक ऐसे स्वरूप की उद्घोषणा करते हैं जो इस राष्ट्र के कल्याण के लिए बहुत लाभकारी है। वो धर्म के एक नवीन स्वरूप की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि यदि भूखे के पास धर्म ले जाना है तो रोटी के रूप में ले जाओ, नंगे के पास धर्म ले जाना है तो वस्त्र के रूप में ले जाओ, बीमार के पास यदि धर्म ले जाना है तो औषधि के रूप में ले जाओ। देखिए, उनका जो अंतःकरण था वह देश की गरीबी और उग्रावस्था को देखकर बहुत पीड़ित था। गहरी वेदना में भरकर वे कह उठते थे कि हमें से प्रत्येक को अहोरात्र, हमें से प्रत्येक को अहोरात्र उन पददलित भारतवासियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिन्हें अज्ञान, पुरोहितवाद और उत्पीड़न ने जकड़ा हुआ है। वे कहा करते थे कि मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं, मैं दार्शनिक नहीं हूं, मैं तो एक गरीब हूं जो गरीबों को प्यार करता हूं। कौन है जो सदा सर्वदा से अज्ञान और दारिद्र के गर्त में डूबे हुए इन लाखों करोड़ों नर नारियों की पीड़ा का अनुभव करता है? अरे, इनकी समस्याओं का हल क्या है? स्वामी जी ने कहा था, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतज्ञ मानता हूं जो उनके बल पर शिक्षित बना और उसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता। स्वामी जी ने मनुष्य की उदात्तता की बात कही। मनुष्य को स्वामी जी ने सबसे बड़ा ईश्वर माना। उन्होंने बताया कि मनुष्य ही सबसे बड़ा ईश्वर है। The only God to worship is the human soul in human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of the temples. If I cannot worship in that, no other temple shall be of any advantage. मनुष्य ही सबसे बड़ा ईश्वर है। स्वामी जी ने कहा, अरे तुम्हें ईश्वर को खोजने कहाँ जाना है? क्या गरीब, अनाथ और निर्बल ईश्वर नहीं है? पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? गंगा किनारे बैठकर कुआं क्यों खोदते हो? स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आदर्श होना चाहिए। मैसूर के महाराजा को एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा, बहुत सुंदर बात उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट एंड द वैनिटीज ऑफ वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। महाराज, मनुष्य ही मानो सबसे बड़ा ईश्वर है। जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही यथार्थ में जीते हैं, बाकी तो जीवित की अपेक्षा मृत अधिक है। इस प्रकार भारत के जो पीड़ित प्रताड़ित जो लोग थे वही स्वामी जी के लिए सबसे बड़े ईश्वर थे, और उनकी सेवा करने का, उनके जीवन को उन्नत बनाने का की बात स्वामी जी ने कही, और कहा यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है। और इसीलिए उन्होंने शिव भाव से जीव सेवा का आदर्श दिया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय का आदर्श दिया,
यदि हम अपने आत्मा की मुक्ति करना चाहते हैं तो हमें जगत के हित के माध्यम से करना चाहिए, लोगों के कल्याण के माध्यम से करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने हमारे आत्मज्ञान के लिए अनेक प्रकार की पद्धतियों का प्रावधान किया है। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है। पर स्वामी जी मानो एक नया दर्शन देते हैं, एक सेवा योग के माध्यम से मानो आत्म साक्षात करना है, और यही आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च का मूल मंत्र है जो स्वामी जी ने दिया। देश की प्रगति के लिए स्वामी जी ने जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया वह यह कि उन्होंने नारी शक्ति के जागरण की बात कही। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र के विकास में नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्र के सभ्यता और संस्कृति का आकलन, हम समाज में नारी को किस प्रकार का स्थान दिया जा रहा है इससे कर सकते हैं। जिस राष्ट्र में नारी को जितना अधिक सम्मान और स्वतंत्रता दी जाती है वह राष्ट्र उतना ही अधिक विकसित होता है। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि वैदिक युग में नारी को पर्याप्त सम्मान था, वे वेद्याध्ययन किया करती थी, उनका उपनयन संस्कार भी होता है। वेदों में ऐसे अनेक विदुषी नारियों का उल्लेख आता है जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया था। उस समय यज्ञ संपन्न कराने के लिए पुत्रों की अनिवार्यता नहीं थी, क्योंकि कन्याएं भी यज्ञ में देवताओं को आहुतियां दे सकती थी। समाज में विधवा विवाह की प्रथा थी, नियोग से संतानोत्पत्ति की प्रथा थी, और इस कारण विधवाओं का जो जीवन था वह यातनापूर्ण नहीं था। पर कालांतर में हम देखते हैं कि परिस्थितियां बदलती गई। श्राद्ध तर्पण और पितरों की पूजा के लिए लोग पुत्र की आवश्यकता पर जोर देने लगे और इसके लिए कन्याएं अयोग्य मानी गई। विधवा का पुनर्विवाह तथा नियोग से संतानोत्पत्ति की प्रथाओं का भी निषेध कर दिया गया। इस प्रकार उनके स्वतंत्रता और सम्मान पर धीरे धीरे अंकुश लगा दिया गया। शिक्षा के द्वार भी उनके लिए बंद कर दिए गए। बाल विवाह प्रारंभ हो गए और हम देखते हैं कि लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास सती प्रथा प्रचलित हो गई और इस प्रकार नारियों का जो जीवन है भीषण त्रासदी में बीतने लगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि देश के पतन का इतिहास भी प्रारंभ हो गया। स्वामी जी अमेरिका जाते हैं, वहां अमेरिका में गए और वहां उन्होंने नारियों की स्थिति का देखा, नारियों की स्थिति को देखा, उनके सम्मान को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि उस देश की प्रगति के मूल में नारियों का सम्मान एक बहुत बड़ा तत्व है। वे भारत को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए भारत के नारियों के प्रति असम्मान को एक बहुत सशक्त कारण मानते थे, इसलिए उन्होंने भारत में नारी शिक्षा पर बहुत बल दिया। हम स्वामी जी के जब वक्तव्यों को पढ़ते हैं तब हम अनेक बार पाते हैं कि स्वामी जी महाराज मनु के इस श्लोक का बारंबार उद्धरण देते हैं। वे कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा सिद्धा फलाक्रिया। अर्थात जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां तो देवता निवास करते हैं, और जहां उनकी अवहेलना होती है वहां देश को उन्नत बनाने के सारे उपाय हैं वो विफल हो जाते हैं। स्वामी जी यह मानते थे कि नारी को जब तक सम्मान नहीं दिया जाएगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। एक पुरुष को शिक्षित करने से एक पुरुष केवल शिक्षित होता है, किंतु एक नारी को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। स्वामी जी की दृष्टि में भारतीय नारियों के जो आदर्श थे वो सीता सावित्री और दमयंती रहे हैं। वे ये मानते थे कि भारतवर्ष की स्त्रियों को सीता के पद चिन्हों का अनुकरण करना चाहिए, उनको अपनी उन्नति के लिए आधार मानना चाहिए। सचमुच सीता का जो चरित्र है वह अनुपम है। सीता तो सच्ची भारतीय नारी की जीती जागती प्रतिमा है, क्योंकि सीता में पूर्ण विकसित नारी के
सभी गुण विद्यमान है। सीता के संबंध में बोलते हुए, सीता के संबंध में उनके पावन चरित्र का स्मरण करते हुए स्वामी जी तो भाव विभल हो जाते। स्वामी जी कहते थे कि सीता भारत की आदर्श है, सीता भारतीय भावों की प्रतिनिधि है, वो मूर्तमती भारत माता है। हजारों वर्षों से सीता का चरित्र ही भारतीय राष्ट्र का आदर्श रहा है। ऐसी अन्य कोई पौराणिक कथा नहीं है जिसमें सीता के चरित्र की भांति पूरे भारतीय राष्ट्र को जिसने प्रभावित किया हो। कितनी बड़ी बात वो सीता के संबंध में कहते हैं, और यही भारतीय नारी का आदर्श है। स्वामी जी बार बार सीता के चरित्र पर जोर देते हैं और कहते हैं कि भारत में जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी विशुद्ध है, जो कुछ भी पावन है, उन सब का बोध सीता शब्द से हो जाता है। नारी में नारी जनोचित जो भी गुण माने गए हैं, सीता शब्द मानो उन सब का परिचायक है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, इसलिए जब ब्राह्मण किसी कुल वधु को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं सीता बनो, जब किसी बालिका को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं सीता बनो। जीवन में उनका एक मेव यही प्रयत्न होता है कि वे सीता बने। सीता सी शुद्ध, धीर, सर्ववहा, प्रतिपरायणा और पतिव्रता बने। सीता इसी भारतीय आदर्श की सच्ची प्रतिनिधि है। कितना अद्भुत उसका जीवन चरित्र है कि उसके हृदय में अत्याचारों के प्रतिशोध का विचार तक नहीं आया। वे पुनः कहते हैं, सीता के विषय में क्या कहा जाए, संसार के संपूर्ण प्राचीन साहित्य को छान डालो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम संसार के भावी साहित्य का भी मंथन कर सकते हो, परंतु उसमें सीता के समान कोई दूसरा चरित्र नहीं पा सको। सीता का चरित्र अद्वितीय है, यह चरित्र सदा के लिए एक बार ही चित्रित हुआ है। सीता सदैव भारत में पूजित जाएंगी, जिन्होंने जिन्होंने अविचलित भाव से ऐसे महादुख का जीवन व्यतीत किया, वे ही नित्य साध्वी सदा शुद्ध चरित्र वाली सीता मनुष्य लोक की आदर्श बनी रहेंगी, देव लोक की भी वे आदर्श नारी बनी रहेंगी। पुण्य सीता का चरित्र हमारी राष्ट्रीय देवी का आदर्श चरित्र बना रहेगा। भारतवासियों को सीता के चरित्र का अनुकरण कराकर हमें अपने भारतीय नारियों की उन्नति की चेष्टा करनी होगी, यही हमारे प्रगति का एकमात्र पथ है। तो इस प्रकार भारतीय नारी का आदर्श भी स्वामी जी ने लिख प्रस्तुत किया। आधुनिक नारी सभ्यता के विपदगामी प्रवाह में बहकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूलते जा रही है। स्वामी जी ने सीता के चरित्र के आदर्श के माध्यम से मानव भारतीय नारी के आदर्श का स्मरण कराया और कहा कि भारतीय नारी यदि सीता के चरित्र को अपने जीवन में उतारे तो निश्चित रूप से यह जो भारत देश है वह भारत देश बहुत विकसित हो सकता है, क्योंकि एक आधी जनसंख्या तो नारियों की है, तो नारियों के पास एक आदर्श होना चाहिए जिस आदर्श को ग्रहण करके वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार सीता के अनुपम चरित्र की व्याख्या स्वामी जी ने की। स्वामी जी ने देशभक्ति की शिक्षा दी, स्वामी जी ने देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। स्वामी जी ने कहा, उस समय जिस समय स्वामी जी का आविर्भाव हुआ उस समय हमारा जो देश था वह देश तो परतंत्र था, अंग्रेज हम पर राज्य करते थे और स्वामी जी इस परतंत्रता से बहुत दुखी थे। यद्यपि स्वामी जी ने कभी प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लिया, पर स्वामी जी देश को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। कई स्थान पर तो स्वामी जी ऐसा सोचते थे कि यदि मुझको लोग अंग्रेज लोग पकड़ लेंगे और मुझको जेल में बंद कर देंगे तब भी अच्छा होगा, इससे लोगों में चेतना जागृत होगी, देशभक्ति के प्रति प्रेम जागृत होगा। वे देशभक्तों को प्रोत्साहित करते रहते थे, राष्ट्र की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए युवकों को प्रोत्साहित करते रहते थे,
और फिर इसके लिए उन्होंने देशभक्ति का आदर्श रखा। स्वामी जी ने कहा आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा एकमात्र विचार केंद्र होगा, वह है हमारी महान मातृभूमि भारत। अरे दूसरे देवताओं को कुछ समय के लिए हमारे मन से लुप्त तो हो जाने दो, हमारा भारत, हमारा राष्ट्र केवल यही एक देवता है जो जाग रहा है, जिसके हर जगह हाथ है, हर जगह पैर है, हर जगह कान है, जो सब वस्तुओं में व्याप्त है। अरे हम क्यों व्यर्थ में इन देवताओं के पीछे भागें, हम उस देवता की, उस विराट की पूजा क्यों न करें जिसे हम अपने चारों ओर देख रहे हैं। जब जब हम उसकी पूजा कर लेंगे तभी हम सभी देवताओं की पूजा के योग्य होंगे, अन्यथा हमारी ये देशभक्ति, ये देश पूजा बेकार है। स्वामी जी के आह्वान का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि सचमुच हमारा यह जो देश है वह 50 वर्षों के भीतर स्वतंत्र हो गया। स्वामी जी समाज के सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों न हो, धन विद्या और ज्ञान के उपार्जन हेतु समान अधिकार देने के पक्षपाती थे। उन्होंने बारंबार इस बात का स्मरण दिलाया कि हमें भूलना नहीं है कि हमारा राष्ट्र झोपड़ियों में बसा हुआ है, अतः किसी भी गरीब का हक न मारा जाए यह देखना उन सब लोगों का कर्तव्य है जो अपने आप को उच्च वर्ण का समझते हैं। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने चेतावनी दी, स्वामी जी ने कहा कि यदि मजदूर काम करना बंद कर देगा तो तुमको अन्न वस्त्र मिलना बंद हो जाएगा, तुम उन्हें नीच जाति का मनुष्य समझते हो और अपने संस्कृति की सेकी बगाड़ते हो। आजीवन जीवन संग्राम में व्यस्त रहने के कारण उनको अपने ज्ञान के विस्तार करने का अवसर नहीं मिला, पर अब जमाना बदल गया है, अब जमाना बदल गया है, लोग जागृत हो रहे हैं। जन साधारण जब जाग उठेंगे और अपने ऊपर तुम्हारे अत्याचार को जान लेंगे तो उनके एक फूंक से ही तुम लोग उड़ जाओगे। उन्होंने ही तुम में सभ्यता का प्रवेश कराया है और वे ही उस सभ्यता को ढहाने वाले होंगे। इसी कारण स्वामी जी कहते हैं, इसी कारण मैं कहता हूं कि इन निम्न जातियों को विद्या और संस्कृति प्रदान करो, उनको निद्रा से जगाओ। जब वे जागेंगे, एक दिन अवश्य वो जागेंगे, तब वो तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहेंगे और तुम्हारे द्वारा उनके प्रति जो हितकारी कार्य किए गए हैं उसको नहीं भूलेंगे, तुम्हारे प्रति आभारी होंगे। एक नए भारत का निर्माण होने दो, एक नए भारत को उदित होने दो। उस नए भारत का उदय हल चलाने वाले किसानों की कुटिया से हो, मछुओं से हो, मोचियों से हो, मेहतरों की झोपड़ियों से हो, वह जंगलों और पहाड़ों और पर्वतों से प्रकट हो। स्वामी जी मानते थे कि राष्ट्र के विकास के लिए सबसे जो बड़ी आवश्यक वस्तु है वह है शिक्षा। शिक्षा को वे विकास का एकमात्र रामबाण औषधि मानते थे। वे कहते थे कि अपने निम्न श्रेणी वाले व्यक्तियों के प्रति हमारा एकमान कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, वो शिक्षा उनके खोए हुए व्यक्तित्व को पुनः वापस लाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने शिक्षा पर बहुत बल दिया और उन्होंने कहा कि शिक्षित करो, व्यक्तियों को शिक्षित करो, फिर वे अपना विकास स्वयं साधित कर लेंगे। स्वामी जी ने देखा था कि देश की अव्यवस्था का जो कारण है, देश की दुर्व्यवस्था का जो कारण है, वह दुर्व्यवस्था का जो कारण है वह देश के लोगों में व्याप्त अज्ञान है, अशिक्षा है। इसलिए स्वामी जी ने शिक्षा के प्रति बहुत जोर दिया। फिर स्वामी जी तो त्रिकाल दृष्टा महापुरुष थे, उन्होंने भारत के भविष्य को देख लिया था। एक नवीनीकृत भारत को स्वामी जी ने अपने मानस चक्षुओं से देखा था। उन्होंने कहा था एक अपूर्व महिमा से मंडित भावी भारत का आगमन होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वह भारत पहले से भी अधिक महिमा मंडित होगा। उठो, जागो और देखो कि भारत का कायाकल्प हो गया है। अन्यत्र उन्होंने कहा था भारत का पुनरुत्थान होगा, किंतु वह जड़ की शक्ति से नहीं होगा, वह आत्मा की शक्ति से होगा।
वह उत्थान विनाश की ध्वजा को लेकर नहीं होगा, शक्ति और प्रेम की ध्वजा से संपादित होगा। स्वामी जी ने कहा, उन्होंने कहा, फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है, भारत से तीव्र शक्ति प्रवाह निश्रित हो रहा है जो शीघ्र ही सारे विश्व को प्लावित कर देगा। इस संबंध में मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि स्वामी जी मात्र संत और भविष्यवेत्ता नहीं थे, वे तो एक त्रिकालज्ञ महापुरुष थे जिन्होंने भारत के वर्तमान भूत और भविष्य की प्रत्यक्ष अनुभूति की थी। वे कैसे महामानव थे जिन्होंने भारत के परिपेक्ष में विश्व इतिहास का बहुत गहन अध्ययन किया था। हम देखते हैं कि सर्वत्र भारत माता उनका आराध्य रही। अपने प्रारंभिक वक्तव्य में स्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि स्वामी जी जब कभी भी इंडिया शब्द का उच्चारण करते थे, अपने हृदय का सारा भाव उनमें उड़ेल देते थे। शौर्य, उत्साह, प्रेम, भक्ति, दुख, मानो सब कुछ एक शब्द में समा जाता था। जब वे इंडिया कहते थे तो सुनने वालों पर भी बहुत जादुई प्रभाव पड़ता था। उनका हृदय भी मानो देशभक्ति की महान भावनाओं से आप्लावित हो जाता था। सारे ग्रंथ एक साथ मिलकर जैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते थे, वे केवल माई इंडिया कहकर लोगों के मन में ऐसा दिव्य भाव उत्पन्न कर देते थे। भारत की सभी वस्तुएं, भारत के लोग, भारत का इतिहास, भारत की वास्तुकला, भारत का धर्म दर्शन, भारत के रीति रिवाज, भारत के नदी, पहाड़, झरने, सब उनके लिए जीवंत थे। भारत उनकी दृष्टि में कोई भौगोलिक सत्ता मात्र नहीं था, उनके लिए भारत का अर्थ था विश्व गुरु ज्ञान दीप्त भारत, उनके लिए भारत का अर्थ था सर्वधर्म संपोषक भारत, उनके लिए भारत का अर्थ था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संलग्न भारत, उनके लिए भारत का अर्थ था या विद्या सा विमुक्तिय भारत, उनके लिए भारत का अर्थ था विज्ञान धर्म समन्वयक भारत, उनके लिए भारत का अर्थ था दैवत्वमान चिरकांति युक्त भारत। भारत उनके लिए प्राण था, भारतीयता तो उनके सांस प्रश्वास से निश्चित होती थी। और तभी तभी तो स्वामी जी उद्घोष कर सके थे, अय भारत भूलना नहीं तुम्हारी स्त्रियों के आदर्श सीता सावित्री और दमयंती हैं, भूलना नहीं तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं, भूलना नहीं तुम्हारा विवाह तुम्हारा जीवन व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, भूलना नहीं कि तुम जन्म से ही मानव माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। ऐ वीर साहस का अवलंबन करो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूं, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, अनाथ भारतवासी, दलिद्र भारतवासी, चमार भारतवासी, चंडाल भारतवासी सभी मेरे भाई हैं, भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत की देवी देवियां मेरे लिए ईश्वर है, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरे जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई कहो कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। द सॉयल ऑफ इंडिया इज माई हाइएस्ट हेवन, द गुड ऑफ इंडिया इज माई गुड। तो इस प्रकार स्वामी जी ने मानो भारत को पूरे अपने हृदय में पूरी तरह से समा लिया था। स्वामी जी से सभी देशभक्त प्रभावित हुए थे। उस समय ऐसा कोई भी देशभक्त नहीं था जिसने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया हो और स्वामी जी के विचारों से वह प्रभावित नहीं हुआ हो। उनके दलितों और अस्पृश्यों के प्रति करुणा गांधी जी के हरिजन सेवा के माध्यम से प्रकट हुई। उनका आत्मविश्वास गांधी के चरखे का रूप धारण किया। उनके तकनीकी शिक्षा के प्रचार की अदम्य अभिलाषा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक औद्योगिक तीर्थों को साकार किया। उनका आध्यात्मिक संदेश महर्षि अरविंद के माध्यम से मुखरित हुआ। इतना ही नहीं, पाश्चात्य दार्शनिक मैक्स मुलर उनसे अच्छे प्रभावित थे।
साम्यवाद और समाजवाद के कल्याणकारी तत्वों के मूल उनके चिंतन में मिलता है। विज्ञान को सही दिशा निर्देश स्वामी विवेकानंद देते हैं। शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या हो वह स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं। धर्म के वास्तविक स्वरूप की चर्चा वो स्वामी विवेकानंद हमें करते हैं। और इस प्रकार स्वामी जी मानो संपूर्ण भारत के पक्षों पर स्वामी जी ने विचार किया और उसके लिए उनका मार्गदर्शन दिया। और इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सुंदर बात स्वामी जी के संबंध में कही। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत को जो कुछ भी कहना था वह विवेकानंद के मुख से उद्गीर्ण हुआ। आधुनिक भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संकेत विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वह सेतु है जिसमें प्राचीन और नवीन भारत प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, उपनिषद और विज्ञान, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता सब के सब एक साथ समाहित होते हैं। तो ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद का था। आज के इस अवसर पर मेरा स्मरण किया गया, मुझको अवसर दिया गया कि मैं स्वामी विवेकानंद के इस पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करूं। भारत के प्रति क्या धारणा थी, भारत आत्मा विवेकानंद के प्रति अपना विचार प्रकट करूं, इसके लिए पूज्यपाद स्वामी जी के प्रति मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और उन सभी श्रोताओं के प्रति भी आभार प्रदर्शन करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं, जो इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं, जो मुझको सुन रहे हैं। एक बार पुनः आप सब के प्रति अपनी प्रणति विज्ञापित करता हुआ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।